नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। जब हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराने वाली महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपत्तिजनक के साथ साथ हैरान कर देने वाली हों, तो वाकई आश्चर्य होता है। और खासकर जब वो बातें किसी और ने नहीं बल्कि आर्मी चीफ बिपिन रावत ने बोली हों। आपको बता दें, उन्होंने महिलाओं के लड़ाकू होने को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए जिसे सुनकर सभी बहुत चक्के रह गए। यही नहीं, सोशल मीडिया वालों ने उन्हें जमकर लताड़ भी लगाई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने हाल ही में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा था कि आर्मी में महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाएं इसलिए नहीं दी जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी होती है। बिपिन रावत यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को एक्स्ट्रा सुविधाएं देनी पड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं साथी जवानों पर ताक झांक करने का आरोप भी लगा सकती हैं। और तो और, ग्रामीण परिवेश से आए जवान किसी महिला के ऑर्डर को मारने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मान लीजिए युद्ध क्षेत्र पर कोई लेडी ऑफिसर है, ऑर्डर के मुताबिक उस लेडी अफसर को COB में एक हट मिलेगा, उसके बाद फिर उसे अलग से कमरा देना होगा, फिर उनकी ताका झाकी की शिकायतें होंगी, जिसके बाद हमें उन्हें एक अलग से शीट भी देनी होगी। यानी महिलाओं को लड़ाकू क्षेत्र पर भेजने के लिए एक नहीं कई मुश्किलों का सामना करना होगा। सेना प्रमुख बिपिन रावत इस समस्या पर बात करते हुए आगे कहते हैं कि आर्मी में महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी छुट्टियां नहीं दी जाती। अब मान लीजिए मैं किसी महिला को कमांडिंग ऑफिसर बनाता हूं और वो बटालियन को कमांड कर रही हो, तो क्या उसे 6 महीने के लिए ड्यूटी से दूर रखा जा सकता है? अब ऐसे में जब चारों ओर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो, तो सेना प्रमुख के ऐसे बयान से इस मुहिम को झटका लगना लाजमी है। उनके महिलाओं को लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, महिलाओं के हर क्षेत्र में योगदान के लिए जरा बिपिन रावत को आंखें खोलकर देखना चाहिए, सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। जरा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।